हेलो दोस्त, आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसोफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमारा ब्रेकअप हुआ है और इसमें हम मूव ऑन कैसे करें। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, जो कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूं कि नहीं नहीं तुमको ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि अभी इस टाइम पे अगर आपका अभी भी ब्रेकअप हुआ है ना, तो आप इस फेज में नहीं हो कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में समझ सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं। अचानक से हमारे सामने हमारे जो भी एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो भी हम सोच रहे होते हैं अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अचानक से लगता है यार सब कुछ खत्म हो गया, हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे लाइफ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं और 1-to-1 बातें भी हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाकर के भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, चलो समझते हैं। तो क्या होता है ना, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपके अंदर जो फीलिंग होती है ना, उसमें आप बहुत लो फील कर रहे होते हो। आपको लगता है यार अब कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में। जिसको हमने पूरी ज़िंदगी माना था, जिस पर्सन के साथ हम पूरी ज़िंदगी होना चाहते थे, वो पर्सन ही नहीं रहा हमारी ज़िंदगी से। तो हम बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, हम अपने आप में बहुत गिल्टी फील कर रहे होते हैं। अपने आप को लगता है कि यार अब कुछ मतलब ही नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ कि कोई मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, कोई मेरे साथ होना नहीं चाहता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। मतलब बहुत सारी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही होती हैं। दिमाग ऐसे थॉट तक खो जाता है कि यार अब मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया, अब तो मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। इस तरीके की चीज़ें आने लगती हैं, ये फीलिंग्स आती हैं आपकी ज़िंदगी में। तो देखो दोस्त, कुछ चीज़ें उस टाइम पर आपको खुद को समझानी है, यानी कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या अभी नहीं हुआ है तो भी चीज़ें समझ लो, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहली चीज़, जब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आए कि जस्ट आपका अभी ब्रेकअप हुआ है ना, तो सबसे पहले अपने आप को उन लोगों के साथ रखो, उन लोगों के सराउंडिंग में रहो जो आपकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, जो आपको जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट हो, जो आपकी वैल्यू करते हैं, उन लोगों के सराउंडिंग में रहो। क्योंकि वहाँ पर रहोगे ना आप, तो आपको आप जो अपने आप को डाउन फील कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो कि मेरा कोई मतलब नहीं है, आपको दिखेगा यार कुछ लोग हैं जो रियल में तुम्हारी केयर कर रहे हैं, जो रियल में तुम्हारे साथ होना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप जो ये लो फील कर रहे हो वो थोड़ा सा अप होगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि फ्री नहीं रहना है, बिजी रहना है, कुछ ना कुछ करना है, एफर्ट लगानी है। आप बोलोगे नहीं यार मन नहीं लगता, क्योंकि रियल में ये चीज़ें होती हैं, जब होता है तो मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस वही यादें आ रही होती हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि देखो यार मन तो हमारा कभी नहीं लगता कि हम जाकर के जिम करें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, नहीं मन करता है ना। लेकिन आपको ज़बरदस्ती अपने आप को वो चीज़ करवानी है, मन नहीं कर रहा है फिर भी करवानी है कि यार कुछ भी हो जाए ना, ये तेरे लिए बेहतर ही है, अच्छा ही है। तो मन लगे या ना लगे आपको वो चीज़ करनी है, फ्री नहीं रहना है। क्योंकि आप फ्री रहोगे तो आपको वही चीज़ें दिमाग में आएंगी, यादें आएंगी कि यार ये था, ऐसे था, ऐसा उसने क्यों किया, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने वाली हैं। तो अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने आप को फ्री नहीं रखना है। आप बिज़ी रखोगे तो आप चीज़ों को भूलने में, दूर जाने में सामने वाले की यादों से थोड़ा सा आसानी होता है। तीसरी चीज़ यार आप ये कर सकते हो ना, थोड़ा सा स्पेस चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है ना, तो कुछ दिनों के लिए आप जहाँ पर रहते हो, जो आपका स्पेस है ना, उस प्लेस को छोड़ के थोड़ा सा निकलो, थोड़ा सा बाहर जाओ। अपने किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हो, आप किसी फ्रेंड के यहाँ जा सकते हो, आप किसी जगह पर अगर अफोर्ड कर सकते हो तो टूर के लिए जा सकते हो। आपकी जो बेसिकली जो एक डेली रूटीन था, डेली आपका लाइफ था, जहाँ आप कनेक्ट होते थे सामने वाले पर्सन से, उससे थोड़ी सी दूरी बनाओगे ना। ये नहीं है कि आप पूरी तरह से निकल जाओगे वहाँ से, कि 4-5 दिन 10 दिन आप बाहर रहोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, नहीं। लेकिन आपकी जो एक पूरी पैटर्न बन चुकी थी ना, वो थोड़ा सा ब्रेक होगा, वो हटेगा। क्योंकि आप दूसरी जगह पर जाओगे तो थोड़ा सा आप इससे निकलने में आपको हेल्प हो सकती है, आसानी हो सकती है। तो ये चीज़ ज़रूर करना। चौथी चीज़ आप ये कर सकते हो ना, जिस टाइम पे अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप जाते हो, उसकी स्टोरीज देख ली आपने या उसके स्टेटस देख लिया आपने और आपको दिखा यार वो तो खुश है, फिर आप और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो कि यार मुझे छोड़ के वो कैसे खुश रह सकती है, मुझे छोड़ के वो कैसे खुश है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, क्या उसने मुझे इससे कभी प्यार नहीं किया था। बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आने लगते हैं कि यार क्या था, रियलिटी क्या थी, क्या वो कभी मेरे से प्यार नहीं करता था, कभी मेरे से प्यार नहीं करती थी, क्या उसने मुझे पूरी तरह से धोखा दे दिया है। आपके दिमाग में तमाम सारी चीज़ें आएंगी। तो इस फेज़ में आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप उसमें रहोगे तो आपके दिमाग में बार बार वही चीज़ें आएंगी। फिफ्थ थिंग आप ये कर सकते हो कि आपको ना, ये जो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे, आपके दोस्त भी ऐसे मिल जाएंगे, चल यार ब्रेकअप हो गया है, पार्टी,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार, चल अब दारू पीते हैं, तो दारू जो आपकी सिगरेट है, एल्कोहल, ड्रग्स, इनसे अपने आप को दूर रखना, क्योंकि आप इसमें जितना ज़्यादा इंडल्ज होते जाओगे ना, थोड़े टाइम के लिए तो आपको वहाँ से खींच लाएंगे, लेकिन ये आपकी जो मूव ऑन की प्रोसेस है इसको और भी गंदा करते जाएंगे, और भी ये डाउन करते जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आप खुद होश में नहीं हो, आप चीज़ों को किसी टाइम के लिए आप होश में नहीं हो, आप उस टाइम तो भूल जाओगे, थोड़े टाइम के बाद जब आप याद आएगी ना, फिर आपके अंदर जो उसको कंट्रोल करने की पावर है, जो आपकी सेल्फ डिफेंस की पावर है, सेल्फ कंट्रोल की पावर है, वो छिन जाती है आपसे। तो ये चीज़ याद रखो यार, नहीं करना है ये चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ कि आपको सिर्फ अपने आप को बिजी नहीं रखना है कि हाँ मुझे बस बिजी रखना है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम भागने लगते हैं चीज़ों से कि नहीं नहीं हमको बिजी रखना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, याद ही नहीं आनी चाहिए, और उस प्रोसेस में हम कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो केवल आपको बिजी नहीं रखना है, बल्कि अपने आप को उन यादों को ठीक करने की भी कोशिश करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक रूम ले सकते हो कि आपका रूम में पूरा भसड़ मचा पड़ा है और आप उस रूम से भाग जा रहे हो कि यार भसड़ मचा पड़ा है, मैं बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन एट द एंड आओगे तो आप उसी में ना, आपकी ज़िंदगी में आपके माइंड में भसड़ पड़ा हुआ है, आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप भाग रहे हो उससे, तो आपको भागना नहीं है, आप बिजी रहो, लेकिन उसके साथ साथ अपने माइंड को क्लीन करने में फोकस करना है कि अपने माइंड को ठीक कैसे करना है, चीज़ों को समझना कैसे है, अंडरस्टैंडिंग पर काम करना बहुत ज़रूरी है इस फेज़ में। धीरे धीरे थोड़े प्रोसेस में तो आप ये करोगे, उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि कोई पर्सन अगर हमसे दूर जाना ही चाहता है, कोई पर्सन हमारे साथ खुश नहीं है, तो उसको जाने देते हैं ना, क्योंकि क्या होता है जब तक आप के दिमाग में तमाम सारी जो क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि नहीं नहीं वो क्यों छोड़ के गया, क्या रीज़न था, क्या वजह था, तो वो आपके दिमाग में एक तरीके का भसड़ मचा देते हैं, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यार कुछ भी रीज़न रहा, पॉइंट ये है कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ नहीं होना चाहता है। नेक्स्ट थिंग आप ये कर सकते हो कि आपको उसके बारे में ना किसी से बात करनी है, ना कोई बात सुननी है, क्योंकि आप जब बात करोगे या बात सुनोगे तो वो आपके दिमाग में क्या करेंगे, उसके जो मेमोरीज थे वो क्रिएट कर देंगे, फिर से वही मेमोरीज आने लगेंगे आपके दिमाग में, फिर से वही चीज़ें आप सुनने लगोगे, सोचने लगोगे, फिर क्या होगा, वो चीज़ें आपको हर्ट करेंगी, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आपका जस्ट अगर अभी ब्रेकअप हुआ है ना, तो आपको इन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। अगर आप इस पर काम करते हो, इस तरीके का अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज कर लेते हो, तो डेफिनेटली ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है आपके ब्रेकअप का जो पेन अभी आपको ट्रिगर हुआ है उसको करने, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, फिर आप इससे थोड़ा सा ओवर आ सकते हो, फिर अपने अंडरस्टैंडिंग पर बेहतर रूप से काम कर सकते हो। तो हम पूरा एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको जो है अपने मूव ऑन के प्रोसेस को करना है। तो पूरा सीरीज में हम बात करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें आपको करोगे, पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, तो वो पूरा आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सभी के पास शेयर कर दीजिए, मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं या जो अभी रिलेशनशिप में है ना, उनके पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं कभी भी, और अगर हमने पहले से प्रिपरेशन कर ली है, कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत अगर हमारे सामने आ रही हो, हमने पहले से उसकी प्रिपरेशन कर रखी है, तो वो दिक्कत का जो लेवल होता है वो कम हो सकता है। और इसके अलावा भी आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि बाद में जो लोग ये वीडियो देखें तो उनको कुछ हेल्प हो सके आपके कमेंट के माध्यम से भी। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।